हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज लेसन वन ऑफ सप्लीमेंट्री द टाइनी टीचर। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने इस चैप्टर की करवाई थी उसमें आपको समरी दी थी, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, आई हैड गिवन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब हम ये चैप्टर रिवाइज करेंगे। इसमें आपका इंट्रोडक्शन है, दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइनी टीचर मीन्स आप अच्छे से जानते हो टाइनी टीचर। यहाँ पे आंट्स के बारे में बात हो रही है, चींटियों के बारे में बात हो रही है, जो कि मतलब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती है कि हम इस चीज़ पे बिलीव भी नहीं कर सकते। और वो बहुत ही छोटी होती हैं, जबकि वो बहुत ही छोटी हैं और वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड। और सबसे कॉमन जो आंट है, वैसे तो इनकी बहुत सारी वेराइटी होती है, मीन्स बहुत सारे काइंड्स की टाइप्स की होती हैं ये, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे जो कॉमन है, जो देखने को मिलती है, जो हमने भी देखी है, वो होती है ब्लैक और रेड। ब्लैक और रेड जिसको बोलते हैं कि ब्लैक और रेड चींटी, जो रेड वाली जो चींटियाँ होती है वो थोड़ी सी डेंजरस होती है, वो काट लेती हैं मतलब, तो उससे बच के रहना चाहिए। आंट्स लिव इन कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। जो आंट्स होती हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल अपने घरों में रहती हैं, मीन्स वो आंट हिल्स बना के रहती हैं। मतलब कैसे घर में रहती है, आंट हिल्स में। अब देखो आपका फर्स्ट पैराग्राफ, मीन्स नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। इज इट द फ्लाई? नो इट इजंट। Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm? No, none of these. It is the ant, the commonest, smallest, but the wisest insect. अब देखो यहाँ पे सबसे छोटा इंसेक्ट आपने कोई देखा है जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है, क्या वो फ्लाई है, मक्खी है? नो, मक्खी भी नहीं है। क्या वो मॉस्किटो है, मच्छर है? नहीं। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, या फिर वो क्या हो सकता है, तो वो पक्का हो सकता है कि वॉर्म हो, ठीक है, लेकिन नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज़ द आंट, वो कौन है, सबसे छोटा आंट है, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसको हम देखते हैं। द स्मॉलेस्ट, जो बहुत ही छोटी है, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। और जो आंट की जो लाइफ है, अगर हम वो देखें, उसकी स्टोरी सुने, तो आप भी मतलब उसकी स्टोरी सुन के विश्वास नहीं करोगे कि सच में ऐसा होता है, सच में चींटियाँ इस तरह से रहती हैं। मतलब वो एक इंसान से ज़्यादा आगे है, मीन्स वो इतने आराम से, प्यार से, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करती हैं, साथ में रहते हैं, खाते हैं, मतलब, और साथ में दूसरे जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी जगह देती हैं अपने पास, मतलब रहने के लिए आसरा देती हैं। तो वो इतने अच्छे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि छोटी सी एक जो आंट है वो इतना काम करती है, इतने मतलब अच्छे हैं कि एक इंसान भी नहीं हो सकता। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, बट पीपल हैव कैप्ड आंट्स एज पैट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन जो लोग हैं आंट्स को एज ए पैट बना के रखते हैं और उनको, उनके जो डेली बिहेवियर है उसको भी बहुत ही क्लोजली, बहुत ही नज़दीक के साथ उसको देखते हैं, उसको वॉच आउट करते हैं कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। तो कई जो लोग हैं वो इनको एज ए पैट भी बना के रखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता हैं, सच्चाई पता है इस टीनी, इस छोटी सी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में। एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पैसिंग मैसेजेस थ्रू दम। अब देखो आपने सुना भी होगा, जो आंट होती है, चींटियाँ होती हैं, उनके फीलर्स या जिसको बोलते हैं एंटीना, उनके हेड पे, फोरहेड पे एंटीना होते हैं, वो उससे दूसरी आंट से कॉन्टेक्ट करती हैं, उससे बातें करती हैं, उस तक अपना मैसेज पहुँचाती हैं। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आप देख भी सकते हो कि अगर एक वॉल, एक दीवार है,
तो उस पर आपको चींटियाँ एक लाइन में जाती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो लाइन में जा रही है, इट मीन्स कि उन्होंने एक दूसरे को मैसेज पास आउट किया है, तब वो एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स, मीन्स वो अपने एंटीना के थ्रू अगर कोई डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, तो मान लो किसी चींटी ने या किसी ग्रुप ने अगर मतलब जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको अगर इशारा दे दिया तो वो भी उनके साथ चलने लग जाएंगे, मीन्स एक लाइन में सभी चलेंगे। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। बहुत सारे टाइप्स की होती हैं आंट, लेकिन सबसे कॉमन होती है ब्लैक और रेड। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, और हम उन्हें कब से देखते आ रहे हैं, जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है। बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम, लेकिन कभी भी हमने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, कि वो कहाँ रहती हैं, इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स, मतलब वो कहाँ रहती हैं, वो बहुत जो कंफर्टेबल होम है, जो मतलब आरामदायक है उनके लिए, ऐसा घर बना के रहती है, जिनको हम बोलते हैं आंट हिल या नेस्ट, उनका घोंसला। वैसे तो बर्ड्स के लिए भी उनके घर के लिए नेस्ट वर्ड यूज होता है, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा आंट हिल्स। मतलब छोटी छोटी ऐसी पहाड़ियां से बना लेती हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे होगे, तो यहाँ पे छोटी छोटी मतलब जैसे मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ बना के, हिल्स बना के उसमें ये रहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स एंड पैसेजेस। देखो कितनी अमेजिंग बात है कि इनके अंदर इनके हजारों बहुत ही छोटे छोटे रूम्स होते हैं, आने जाने के लिए रास्ता होता है, पैसेज होता है। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स, और इन रूम्स में जो क्वीन आंट होती है, ठीक है, जो रानी है, इन सब की हेड होती है, वो एग्स ले करती है, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, और जो दूसरे हैं वो क्या होती है, नर्सरीज होती है यंग वंस के लिए, जो कि छोटे बच्चे हैं जिनको ग्रब्स बोला जाता है, ठीक है, उनके लिए नर्सरी भी बनी हुई होती है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और जो काम करने वाली चींटियां हैं उनके लिए अलग से रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, मींस अलग से उनके लिए रूम होते हैं रहने के लिए। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वो ज़्यादातर अपना समय फूड को ढूंढने में बिताते हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और जो कुछ जो रूम्स होते हैं वो स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं, मीन्स क्या करती हैं, जो वर्किंग आंट्स होती हैं, वर्कर आंट्स होती हैं, वो जैसे जो भी फूड लेके आती हैं सभी के लिए, तो जो वो फूड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और जो बच जाता है उसको स्टोर करके रख देते हैं, उनके मतलब रूम्स बने हुए होते हैं उसमें इकट्ठा करके रख देते हैं, कि आने वाले टाइम में या ज़रूरत के समय या विंटर सीजन में उसको यूज़ कर सकें। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और जो सोल्जर्स होते हैं जो कि रक्षा करते हैं, ठीक है, जो रक्षक होते हैं उनके अलग से बैरक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, मतलब वो पूरे जो जितनी भी आंट्स होती हैं, जितनी भी वहाँ पे रह रही हैं, तो उन सब के लिए वहाँ पे रक्षा करने का काम करते हैं सोल्जर्स। मतलब वहाँ पे जैसे हमारे देश में, हमारे इंडिया में जैसे बैरक्स बना के जो मतलब फोर्स है या आर्मी है जो भी है, ठीक है, वो रक्षा करते हैं हमारे देश की, वो छुपके देखते हैं कि कहीं कोई एनिमी मतलब कोई अटैक ना कर दे, तो इस तरह से बैरक्स बने हुए होते हैं और सोल्जर्स मतलब उन अपने एनिमी को वॉच आउट करते रहते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, और कोई भी जो वर्कर होता है, कोई भी काम करने वाला, कभी भी ये ट्राई नहीं करता कि वो सोल्जर के घर में जाए या सोल्जर के घर में रहे। नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और जो सोल्जर का काम करते हैं वो कभी भी बाहर फूड खोजने के लिए नहीं जाते। मीन सबका अपना अपना काम सेपरेट है सबका, ठीक है, सब अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, और कभी भी कोई भी वर्कर हो गया, सोल्जर है या क्लीनर है, कभी भी किसी छोटे बच्चे को, ग्रब पहले भी बताया कि जो नर्सरीज में जिनको रखा जाता है यंग वंस को, ठीक है, तो उन यंग मंस को हम क्या कहते हैं, ग्रब कहते हैं, छोटा बच्चा, ठीक है, तो उनको कभी भी ये हार्म पहुँचाने की कोशिश नहीं करते। सो यू सी
एंड आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो आप सोच सकते हो, देख सकते हो कि जो आंट की लाइफ है कितनी पीसफुल है। सब अपना अपना काम करते हैं ऑनेस्टी के साथ, सब बहुत ही प्यार से अच्छे से रह रहे हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप। और जो हर एक इसमें जो आंट होती है वो खुद अपना काम करते हैं, मतलब डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, मीन्स जो भी उन्हें काम मिला है वो बहुत ही इंटेलिजेंटली के साथ ठीक है, मतलब बहुत ही बुद्धिमानी के साथ और बहुत ही ब्रेवली के साथ, मीन्स बहुत ही हिम्मत के साथ वो काम करते हैं अपना। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप, और किसी भी दूसरे ग्रुप के मेम्बर से वो लड़ाई नहीं करते या झगड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। देयर इज़ एन इंट्रोडक्शन। द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिन्स टू ले एग्स। ईच हैच एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स। ग्रब्स चेंज इंटू कोकून्स एंड कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डनरी आंट इन द आंट हिल इज़ अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। अब देखो यहाँ पे जो क्वीन आंट होती है, जो कि रानी है, जो कि सबकी हेड है, उसके विंग्स होते हैं, उसके पंख होते हैं। देखो ये भी एक बहुत ही अमेजिंग बात है कि आंट के भी विंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ क्वीन आंट की, ठीक है, उसी के होते हैं और किसी के नहीं होते। विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिन्स टू ले एग्स, और वो उनको गिरा देती है, मीन्स हटा देती है, लेकिन कब हटाती है, जब वो एग देने वाली होती है, ठीक है, जब वो एग्स ले करने वाली होती है तो उससे पहले उनको वो हटा देती है। एग्स हैच, अब जो एग होते हैं वो टूट जाते हैं और उसमें से एक छोटा यंग वन निकल के आता है, मीन्स ग्रब्स निकल के आते हैं, और ग्रब्स जो होते हैं वो कोकून्स में चेंज हो जाते हैं, और कोकून्स जो होते हैं वो टूटने के बाद पूरी एक कंप्लीट आंट बन जाती है। ठीक है, द लाइफ ऑफ एन ऑर्डनरी आंट इन द आंट हिल इज़ अ बुक विच मे ऑफ अस सेल्डम ओपन, मीन्स यहाँ पे जो एक लाइफ दिखाई हुई है, एक बहुत ही साधारण सी जो आंट है उसकी लाइफ दिखाई हुई है आंट हिल के अंदर, वो ऐसी बुक है जिसको कि हम कभी कभी ही मतलब खोलते हैं या उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, मतलब ये भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि आंट्स की ऐसी लाइफ है, ठीक है, इतने अच्छे से रहते हैं कि कोई इंसान भी नहीं रह सकता इस तरह से। अगर इंसान इस तरह से जीना सीख ले तो इस वर्ल्ड में कोई लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो। अगर सब अपना अपना काम करें, प्यार से रहें, कोई किसी को परेशान ना करे, तो इस वर्ल्ड में सभी खुश रहेंगे। ठीक है, कोई मतलब दुखी नहीं होगा, सब अगर एक दूसरे की हेल्प करें तो, मतलब कोई अकेला नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमें सिखाया है इन आंट्स की स्टोरी से, हमें क्या पता चलता है कि हमें कैसे अपनी लाइफ बितानी चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए। तो इस चैप्टर के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू आप ये समझो, ये समझने की कोशिश करो कि हमें कैसे लाइफ आगे मतलब कैसे अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो इनसे आप सीखो कि अपना काम कितने मेहनत के साथ करना चाहिए। अभी आप एक स्टूडेंट हो तो एक स्टूडेंट का काम क्या है, टू स्टडी, ठीक है। अगर आप उसको भी अच्छे से नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा आपके स्टूडेंट होने का, उससे सभी को परेशानी होगी, सबसे ज़्यादा आप अपना नुकसान करोगे, पेरेंट्स बेचारे दुखी होंगे, ठीक है, टीचर्स भी साथ में, स्कूल भी, मतलब सबको सफ़र करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से करते हो तो आपके सारे काम कितने अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपना अपना काम करना चाहिए टाइम पे, ठीक है, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और हम भी सक्सेस हो पाएं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। अब देखो जितने भी आंट्स वहाँ पे रहते हैं उन सबकी जो हेड होती है, जो मदर होती है एक तरह से, वो कौन होती है, ये क्वीन ही होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और ये कितने साल जी सकती है, 15 साल जी सकती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके विंग्स होते हैं, बट बाइट्स दम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन जब वो अपनी वेडिंग फ्लाइट पे जाती है तो वो उनको गिरा देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और वो ये फ़्लाइट कब लेती है, ये लेती है हॉट समर डे में, मीन्स गर्मियों में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उन दिनों में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड
goes out to meet a male ant or drone high up in the air. जो किन आंट होती है वो अपना नेस्ट छोड़ देती है, मीन्स आंट हिल को छोड़ देती है और ऊपर हवा में मीन्स एयर में चली जाती है बहुत ही ऊंचाई पे, वहाँ जाके अपना मेल आंट ढूंढती है, ठीक है. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो अर्थ पे लौटती है वापस तो उसके विंग्स नहीं होते हैं, एंड देन डज नथिंग, और उसके बाद वो कुछ नहीं करते, सिर्फ क्या करती है, ले एग्स, सिर्फ वो अंडे देती है, ठीक है. तो ये काम होता है क्वीन आंट का. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, और जो एग्स होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर उसमें से ग्रब्स निकल के आते हैं, मीन्स यंग वंस, छोटे बच्चे निकल के आते हैं चींटियों के. सॉल्जर्स गार्ड देम, और जो सॉल्जर्स हैं सिपाही जो होते हैं वो उनको गार्ड करते हैं, मीन्स उनकी रक्षा करते हैं. वर्कर्स फीड, और जो वर्कर्स हैं जो काम करने वाले हैं वो उनके लिए भोजन लेके आते हैं. एंड क्लीन दाम, और उनको क्लीन भी करते हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल अच्छे से क्लीन, नीट एंड क्लीन उनको रखते हैं, साफ़ सुथरे. एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उसके बाद उन्हें बाहर भी डेली लेके जाते हैं, उनको बाहर की हवा लगे, उनको एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज हो, उनकी बॉडी को वार्म अप मिले, ठीक है, सनशाइन मिले. टू और थ्री वीक्स लेटर, और दो या तीन हफ्ते के बाद जो ग्रब्स होते हैं वो कोकून्स बन जाते हैं, ठीक है, एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर थ्री वीक्स मोर, और वो फूड और एक्टिविटी के बिना रहते हैं तीन वीक्स तक और, ठीक है. देन द कोकून्स ब्रेक, और उसके बाद फिर कोकून्स टूट जाता है और एक बिल्कुल परफेक्ट आंट बन जाती है. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और फिर उसके बाद उसका टाइम स्टार्ट होता है उसको टीचिंग और ट्रेनिंग का, मीन्स उसको सिखाने का कि उसको कैसे यहाँ पे अर्थ पे रहना है, कैसे उसको अपना काम करना है, तो वो सब उसको ट्रेनिंग दी जाती है. न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स, और जो नई आंट होती हैं वो अपनी सारी ड्यूटी सीखती हैं जो पुरानी आंट है, जो ओल्ड आंट्स हैं उनसे, मीन्स किस किस से सीखती है, वर्कर से सीखती है, सॉल्जर्स, बेल्डर्स, क्लीनर्स, इन सब से वो सारे काम सीखती हैं. आफ्टर अ फ्यू वीक्स, और कुछ वीक्स के बाद, मीन्स कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू अ बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और उसके बाद वो छोटी जो आंट होती हैं वो तैयार हो जाती हैं इस बड़े संसार में काम करने के लिए, मीन्स रहने के लिए. एंड आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स. जो एक आंट हिल है, मीन्स जो जहाँ पे आंट्स रहती हैं वो सिर्फ उन्हीं का घर नहीं है, मीन्स वो सिर्फ आंट का ही घर नहीं है, बल्कि वहाँ पे कुछ और क्रिएचर्स भी रहते हैं, जैसे कि बैटल्स हैं, लेसर ब्रीड्स हैं आंट्स की, और ग्रीन फ्लाई हैं, तो इस टाइप के भी इंसेक्ट वहाँ पे रहते हैं. व्हाई डू आंट्स वांट दिस एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट. अब देखो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि क्यों आंट्स जो होती हैं वो बाहर के क्रिएचर्स को अपने नेस्ट में, अपने घरों में रहने के लिए अलाउ कर देती है, ऐसा क्यों होता है. फॉर सेवरल रीजंस, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू आंट्स सेंस, जो आंट्स हैं उनको, उनकी जो सेंसेस हैं, ठीक है, उनको क्या पता हो उन इंसेक्ट की स्मेल अच्छी लगती हो जो छोड़ते हैं, वो स्मेल उनको अच्छी लगती हो. क्या पता अदर्स गिव स्वीट जूसेस, जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं क्या पता वो स्वीट जूस देते हों. सम आर जस्ट पार्ट्स और प्ले थिंग्स, और कुछ जो होते हैं एज अ पैट भी हो सकते हैं या खेलने के लिए, लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, जैसे कि कैट और डॉग खेलते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, तो क्या पता इस तरह से आंट्स के साथ भी क्या पता ये इंसेक्ट खेलते हों, ठीक है. द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काव, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट्स की काव होती है. जैसे हमारी जो काव होती है जिससे हमें मिल्क मिलता है, इसी तरह से जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट्स की, मीन्स चींटियों की काव है. द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, और जो आंट्स होती हैं वो इसको ट्रेनिंग भी देती हैं, ग्रीन फ्लाई को ट्रेनिंग भी देती है कैसे उसको हनी ड्यू देना है, मीन्स हनी ड्यू मीन्स मिल्क देना है, ठीक है. विद अ टच टू देयर एंटीना, मीन्स सिर्फ आंट्स के एंटीना को टच करने से, ठीक है. दे मिल्क इट जस्ट एज वे मिल्क द काव, देखो वही बात आ गई यहाँ पे कि जैसे कि हम काव से मिल्क लेते हैं उसी तरह से चींटियाँ भी ग्रीन फ्लाई से मिल्क लेती हैं. हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज आंट्स हैव,
क्या जो ह्यूमन बीइंग है वो चींटियों की तरह सीख पाया है? परहैप्स दे हैव, शायद उसे समझ आया हो कैसे, मतलब आंट्स इतनी अच्छी लाइफ जीती हैं, इतने अच्छे से रहती हैं, तो शायद मानव को भी, मीन्स इंसान को भी जीना चाहिए. बट दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़. लेकिन उन्हें क्या, लेकिन उन्हें जो अपनी जो लर्निंग है, जो भी उन्होंने सीखा है, वो अच्छी चीज़ों में यूज़ करें, ना कि गलत चीज़ों में. दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर. अभी भी जो हम हैं, पीपल हैं, लोग हैं, वो अभी भी इनसे बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें सीख सकते हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत काम आती है. जैसे कि हार्डवर्क है, ये कितनी मेहनत करती है, सेंस ऑफ ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या है, डिसिप्लिन, ठीक है, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस. तो ये सारे काम हम इनसे सीख सकते हैं. एंड अबव ऑल, जो भी हमने ऊपर सीखे हैं वो सारे, अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, मीन्स जहाँ हम रहते हैं उस जगह के लिए, उस लैंड के लिए, ठीक है, हमें लॉयल होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए डेडिकेटेड होना चाहिए कि जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, और उसकी रिस्पेक्ट करें कि उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी है. इसी तरह से एक इंसान जो है, जहाँ रहता है अपनी कंट्री में, अपने लैंड पे, उसके लिए लॉयल होना चाहिए. मीन्स वो कहीं भी रह के कोई भी काम करे तो उसके लिए लॉयल हो, वो किसी भी तरह की चीटिंग ना करे अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ, ठीक है. तो इससे हमें ये समझ आता है. तो इसी तरह से देखो, ये जो छोटी सी आंट है, ये जो चीटियाँ हैं, ये कितना कुछ हमें सिखा दिया इन्होंने. अगर आप इसे सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं चैप्टर पढ़ने का, ठीक है. तो इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए अच्छे से, इसमें आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं. देखो, जो भी मैं आपको अभी ये दोबारा से सारे चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ, मैं साथ साथ इसमें आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बताते जा रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनो, बार बार इस चैप्टर को रिवाइज करो, वीडियो देखो, तो आपको सारे क्वेश्चंस, मतलब इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप ईजिली आंसर कर सकते हो, ठीक है. तो इसमें देखो, जैसे क्वेश्चन बनता है कि जो आंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, कॉमनेस्ट है, ठीक है, और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, और ये कैसे किसी से मैसेज, कैसे अपने मैसेज किसी को कन्वे करती है, मीन्स अपने एंटीना का यूज़ करके कन्वे करती है, ठीक है, और ये कहाँ रहती है, ये आंट हिल्स में रहती हैं, ठीक है, और इनके साथ क्या और भी क्रिएचर्स रहते हैं, हाँ इनके साथ और भी क्रिएचर्स रहते हैं जो इनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. और इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन कौन से, इसमें जैसे सॉल्जर का क्या काम है, ठीक है, वर्कर आंट का क्या काम है, वर्कर आंट जो कि बाहर जाके खाना लेके आएगी, सॉल्जर्स जो कि मतलब जो यंग वंस है या जो घर है आंट हिल्स के, उनकी रक्षा करेंगे, ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं. और सेकंड पार्ट में आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वीन आंट है उसका क्या काम है, क्वीन आंट का काम है ले एग्स, ठीक है, वो एग्स ले करती है और उससे पहले वो क्या करती है, अपने जो विंग्स है उनको काट देती है. उसके बाद यहाँ पे जो एक तरह से जो वर्कर आंट्स हैं, ठीक है, या जो सॉल्जर्स हैं, वो कैसे यंग वंस की, ग्रब्स की कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको जैसे कि बाहर लेके जाते हैं, उनको फ्रेश एयर में लेके जाते हैं, उनके लिए सनशाइन प्रोवाइड कराते हैं, एक्सरसाइज, डेली एयरिंग, ठीक है, ये सब काम करते हैं, ठीक है. वर्कर जो आंट्स होती हैं वो उनको फीड करती हैं और उन्हें क्लीन करती हैं, ठीक है. सॉल्जर्स उनको गार्ड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं. तो इस तरह से जो छोटी आंट है उनका ध्यान रखा जाता है. और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उन सबको कौन सिखाता है काम, जो वर्कर हैं, सॉल्जर्स हैं, बिल्डर्स हैं, क्लीनर्स हैं, वो सब उसे ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है. और जैसे दूसरे क्रिएचर्स कौन कौन से रहते हैं आंट हिल में, बैटल्स हैं, लेसर ब्रीड्स हैं, ग्रीन फ्लाई हैं. ग्रीन फ्लाई का क्या काम होता है, ग्रीन फ्लाई का काम होता है मिल्क देना, ठीक है. जैसे कि हम काऊ से मिल्क लेते हैं, ऐसे ही जो आंट्स होती हैं वो ग्रीन फ्लाई से मिल्क लेती हैं. और इसमें कौन कौन सी, यहाँ पे फिर से क्वालिटी बता सकते हैं हम टाइनी टीचर की, लास्ट पैराग्राफ में है आपका, जैसे कि हार्ड वर्क है, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस. तो ये सारे काम वो मतलब ये सारे जो हैं इनके फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि एक इंसान में भी होने चाहिए. तो दैट इज़ ऑल अबाउट ऑफ योर चैप्टर, ठीक है. ओके, रिवाइज दिस चैप्टर एंड लर्न वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर. ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.